बच्चों फाइनली हम इस चैप्टर के अंत में है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स के महीने चल गए, पर अच्छा ये है, जैसे आप लोग की रिजल्ट्स देख रही हूँ तो आप सब लोग मैथ्स में, मतलब मैथ्स में वीक हो सारे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में, तो अच्छा ही अगर हमने इतनी सारी मैथ्स करी तो। और अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, बस मैथ्स थोड़े सी मतलब एक आध दिन और, फिर आप साइंस करेंगे, एसएसपी करेंगे, ठीक है। पर मेन जो मेरा टारगेट था कि आप लोगों की मैथ्स, भाई आप कहीं से भी आए हो आठवां करके, एट्थ कहीं से भी करके आए हो या एट्थ में ध्यान ना दिया हो, थोड़ी सी मैथ्स में इम्प्रूव कर पाऊं, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊं, तो आई होप मैंने करा होगा, ठीक है। तो अभी हम साइंस ऐसे सब करेंगे, ठीक है। मतलब आपको लगता होगा, मतलब ऑब्वियसली इतनी नॉन स्टॉप मैथ्स चली है, और आप किस स्टैंडर्ड में, खैर चली है आप में, फिर टेंथ में भी चली है, टेंथ में साइंस चल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली मैथ्स सबका मेन मुद्दा होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर हम इतनी एनर्जी, इतना टाइम कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वीडियोस बनाना बहुत, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भेजना, तो हमने सोचा क्यों भाई बच्चों का पहले जो वीक पॉइंट है उस पे, ठीक है। तो आई होप सब अच्छे से हो रहा है आपका, आप मेहनत कर रहे हो। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12 है, एक्सरसाइज 2.549 इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की जो प्रूफ दैट्स है ना, एक्सरसाइज 2.5 वो एग्जामिनर से बहुत फेवरेट है। एक्सरसाइज 2.5 इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात करूं, एक्सरसाइज 2.5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री सॉरी माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। RHS RHS है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला देखो प्रूफ दैट है, वेरीफाई का मतलब प्रूफ दैट होता है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होता है, पर ये वाला हमने RHS से चालू किया, RHS से इसलिए चालू किया क्योंकि आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। बड़े से छोटा लाना, ठीक है, RHS देखो इतना बड़ा है इससे हम छोटा लाना आसान होता है, ठीक है। छोटे से बड़ा लाना मुश्किल हो सकता है पर बड़े से छोटा लाना आसान हो सकता है, इसलिए हम RHS से चालू करेंगे। और मेरे ख्याल से कल भी हमने एक सम किया था, हमने RHS से चालू किया था इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। मैंने तब वो भी बोला था इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो यहाँ पे RHS से कैसे चालू करेंगे, तो हाफ, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा अब यहाँ देखिए x माइनस वाई द होल स्क्वायर, x माइनस वाई द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी चैप्टर शुरू हुआ था तभी हमने सीखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर की वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहां देखें कट शॉर्ट का जो जो कटता तो क्या कुछ नहीं है, कटेगा कुछ नहीं। अब यहां देखें, देखें ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस कर दें तो इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो मैंने क्या किया, प्लस किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस किया, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अच्छा सब में से 2 कॉमन निकालें, सब में से 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है, 2 कॉमन निकालते हैं,
तो कॉमन निकाले बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अच्छा तो टू कॉमन निकाला, टू टू कैंसिल करें, टू टू कटता है तो काट दे, ठीक है। टू कैंसिल हो गया, देखो नीचे ऊपर टू कट गया। अच्छा अब क्या रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, x को पूरी इक्वेशन के साथ, y को पूरी इक्वेशन के साथ, z को पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो x को करें x पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ठीक है। फिर प्लस y है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, ठीक है। फिर प्लस जेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखो यहाँ आपने तीनों का किया, ठीक है, एक्स को पूरी इक्वेशन के साथ, वाई को पूरी इक्वेशन के साथ, जेड को पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, देखो एक्स को पूरी इक्वेशन के साथ किया, वाई को पूरी इक्वेशन के साथ किया, जेड को पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। इतने स्टेप्स देखिए, कितने स्टेप्स हुए, देखो एक दो तीन चार पाँच छह, छह स्टेप्स हुए। ये आरडी का सम नहीं है, टेक्स्ट बुक का सम है, ठीक है। तो ये मतलब आप ऐसे सोच रहे हो मैम आरडी में अगले अगले सम्स करा रही है, तो आरडी में से आते हैं एग्जाम में, मैंने काफी बार जो जो करा रही हूँ मैंने बोला होगा भाई ये आ सकता है ये आ सकता है, तो ये तो है ही टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट बुक टेक्स्ट का तो शॉर्ट शॉर्ट पूछेगा ही, अगर एग्जामिनर आरडी में से पूछ रहा है इधर से उधर से पूछ रहा है तो टेक्स्ट का तो पूछेगा ही ना, फिर बड़े स्टेप से आना, अभी ओवर नहीं हुआ है। कैसे करोगे आप, तो इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर जा एक्स क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर जा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर जा एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई जा एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड जा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड एक्स जा जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ देखो प्लस वाई वाई से करो, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर जो वाई एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जो वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर जो जेड स्क्वायर वाई वाई एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर स्क्वायर y y z जा y स्क्वायर z y z x जा x y z, ठीक है। अच्छा अब z का x z x स्क्वायर जा x स्क्वायर z z y स्क्वायर जा y स्क्वायर z z z स्क्वायर जा z क्यूब z x y जा x y z z y z जा x y z, एक सेकेंड हाँ उस पर z क्या किया मैंने, y x square y cube z cube z square y x y square y square z x y z, ये बराबर अब z से z x square z y square z cube x y z y z square, ठीक है, y z square, ठीक है, फिर y z square फिर x y z, ठीक y z square x, ठीक है। अच्छा आप करें कैंसिल करें, इसको किससे काटेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट सकते, अच्छा देखो चाहिए क्या, चाहिए जो चाहिए ना उस पर ध्यान दो, तुम्हें क्या चाहिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, ये चाहिए, ठीक
क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तुम्हें क्या किया, थोड़ा ध्यान से देख लो ये सारा। एक देखो ये देखो ये सारा स्टेप है, ध्यान से दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा देखो कट होगा, क्या क्या कट होगा, तो देखिए क्या क्या कट हो रहा है। देखो एक्स वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर का कट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आप है ना, मतलब देखो इनके अलावा सब कट हो जाएंगे, सब कट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर के साथ ये देखो, मतलब ये भी कट हो जाएगा, ये 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 कट हो जाएगा, ठीक है। ये कट, ठीक है, सब कट हो जाएंगे। खाली क्या रह जाएगा, ये जो आपको चाहिए वही आप देखना, मतलब अच्छे से देखना। देखो एक्स वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर के साथ कहाँ गया, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये एक्स जेड स्क्वायर के साथ, ये एक्स जेड स्क्वायर के साथ कहाँ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको इसका जोड़ीदार मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में कट होने के लिए सामने दिखेगा, ठीक है। मतलब मैं तो सीधा ऐसे ही बोलती हूँ, तुमको पता है ना आर एच एस ये चाहिए, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, उसको छोड़ के सारे काट डालो, ठीक है। आपको पता है मेरे को ये, देखो प्रूफ दैट में यही तो फायदा होता है, आपके सामने आंसर पड़ा होता है, अब आपको कैसे भी लाना है, ठीक है, वही तो हमारी खूबी है, कुछ भी करके लाने में तो एक्सपर्ट है, तो वही करना है आपको अपना एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड तीन बार ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड देखो एक बार ही दिखा रही हूँ, कहाँ तीन बार ही एक्स वाई जेड, देखो ये एक बार ही एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दूसरी बार ही एक्स वाई जेड, और ये तीसरी बार ही एक्स वाई जेड, देखो तीन बार ही है, एक दो तीन, तीन बार ही एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फाइनल आंसर एक्स क्यू, ये देखो यहाँ जगह नहीं ना, यहाँ लिख रही, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। मतलब आपने उल्टे से चालू किया तो आपने सॉरी आर एच एस से चालू किया तो एल एच एस, एल एच एस, ठीक है, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो देखो यहाँ पे आपने उल्टे से चालू किया, सारा सॉल्व किया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत लंबा सेशन लगेगा पर मतलब आप दो तीन बार ही देखना, आपको ऐसे लगेगा हाँ आ रहा है सम, ठीक है, इजी सम है, थोड़ा कैलकुलेटिव, अभी लंबे लंबे स्टेप्स हैं, पर थोड़ा एक दो बार बिगड़ी रिवाइंड करके देखना, आपको मजा आएगा ये करते हुए सम। स्टूडेंट्स अभी 13 नंबर देखो आपकी एनसीईआरटी का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रूफ दैट ही है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। बोल रहा है अगर ये दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो ये प्रूफ करो। शो का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना, तो ये प्रूफ करो। देखो अब यहाँ पे अभी यही मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, मतलब यही इक्वेशन मैंने आपको याद करने के लिए 20 टाइम दी थी, मैंने कहा था सम्स में काम आएगा, ठीक है। अभी पहले तो प्रूफ दैट ही आ गया इसका कि प्रूफ करो, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल थ्री एक्स वाई जेड प्रूफ करना है, और ये यूज करना है आपको, ये यूज करना है, ठीक है। अब देखो इसमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप इससे भी पहले पढ़ाई हुई इक्वेशन याद करो, इससे इसके पहले लेक्चर में मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, कौन सी थी, क्यूब वाली थी, याद करो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो वाली इक्वेशन लिख दो और लिखो वी नो दैट, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट लोगे, सॉल्यूशन वी नो दैट, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर पर यहाँ देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या लिखना है, जीरो लिखना है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रखोगे, जीरो रखोगे, ठीक है, जीरो। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड है वो जीरो के बराबर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना। अच्छा आपको पता होगा कि जीरो को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो पूरे को जीरो कर देती है, आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो जीरो इसके आगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह जीरो लिखा, जीरो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री एक्स वाई जेड, जीरो प्लस जीरो के साथ कुछ भी प्लस माइनस करो आंसर सेम, ठीक है। तो देयर फोर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, देखो कर लिया ना, चार स्टेप्स का प्रूफ था, ठीक है। कितना इजी था, ऐसा कभी कभी आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है। प्रूफ दैट भी मतलब एग्जामिनर्स को पसंद है, प्रूफ दैट पूछना एग्जामिनर्स को अच्छा लगता है, पर इसमें स्टार्ट लेना आना चाहिए, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैंने 20-20 बार लिख पाए थे, ठीक है। मेरे को पता है कहाँ क्या काम आने वाला है, इसलिए मैं इतनी बार लिखाती हूँ। बाकी मैं कोई वो जालिम टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब वो वाली टीचर की मैं हंटर वाली वो नहीं हूँ, पर मुझे पता है चीज काम आएगी, ठीक है। जो लिखने पे भार देती हूँ ये लिखो वो लिखो, तो मुझे पता है ये आएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो मुझे थोड़ी आइडिया है, ठीक है। तो मुझे मेरे बच्चों को पता है कि ये कराना है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे, आप यहाँ जीरो लिख दो, माइनस थ्री एक्स वाई उधर गया तो जीरो प्लस थ्री एक्स वाई जेड तो थ्री एक्स वाई बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 14 पेज 49 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 14 है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कह रहा है क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करो, क्यूब्स को कैलकुलेट करे बिना इसकी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करो। मतलब देखो आप अगर आप समझो नाइन्थ में नहीं होते, किसी छोटे 8th स्टैंडर्ड में होते, तो आपको अगर मैं बोलती फर्स्ट वाई माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब फाइंड करो, आप कैसे करते, आप 12 का क्यूब निकालते, 12 ऐसे 3 बाई 12 निकालते, फिर 7 का निकालते, 5 का निकालते। पर उसने क्लियर बोला है कि कैलकुलेट मत करो और डायरेक्ट आंसर निकाल के दो, तो आप क्या करोगे। तो देखो मैंने वो फॉर्मूला अभी रब नहीं किया है जो हमने प्रूव किया था, और कल मैंने आपको 20 पर ही दिखाया था वो फॉर्मूला, देखो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या बोल, अच्छा मतलब ये फॉर्मूला की कंडीशन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो नहीं होगा ना, तब तक आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को थ्री एक्स वाई जेड नहीं लिख सकोगे। मतलब ये कंडीशन है कि तुम एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो प्रूव होगा ना, तो ही तुम फॉर्मूला लगा पाओगे। मतलब फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये फॉर्मूला है थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। पर ये बोल रहा है पहले ये कंडीशन है, कंडीशन को पूरा करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे, तो देखो सॉल्यूशन, देखो ये 12 क्या, माइनस 12 एक्स क्या है, माइनस 12 वाई क्या है, 7 जेड क्या है, 5, ठीक है। एक्स क्या है, माइनस 12 जेड के, वाई क्या है, 7 और जेड क्या है, 5, ठीक है। एक्स है माइनस 12 वाई है 7 जेड है 5, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये कंडीशन फुलफिल करो, कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब करो कैलकुलेट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है, माइनस 12 वाई क्या है, 7 जेड क्या है, 5, चेक करो, देखो सॉल्व करो, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना होता है, 12, माइनस प्लस माइनस 12 में से 12 गए जीरो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आया, जीरो आया, क्या आया आपका, जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आया। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, सो ये जीरो आया ना, सो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो इज इक्वल टू 3x क्या है,
माइनस 12, वाई क्या है 7, जेड क्या है 5, मतलब मूल आपको क्या करना था, 3xyz फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अच्छा अब माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में माइनस लगाना है, ठीक है। देखो 3 12 36, 7 5 35, 36 35 36 35 36 18 3 3 9 10 5 6 30 5 3 15 16 17 18, ठीक है। 3 6 18 3 3 9 10 5 6 30 5 3 15 16 17 18, ठीक है। तो 1260 है, ठीक है, 1260, ठीक है। एक माइनस लगेगा, ठीक है, मतलब पूरे में एक ही माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगर दो माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, एक ही माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, सिंपल, मतलब 3xyz करना था, कुछ नहीं है। अच्छा सेकंड वाला भी कर ही लेते हैं, सेकंड वाला देखो, सेकंड नंबर देखो आप, सेकंड 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, ठीक है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। तो क्या करो, क्या देखो यहाँ पे फिर से x प्लस वाई प्लस जेड सॉल्यूशन, ठीक है, x क्या है 28, y है -15, z है -13, ठीक है। अच्छा अब क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्रूफ करो, तो क्या है वो फाइंड करो। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x क्या है 28, y क्या है -15 और z क्या है -13, ठीक है। तो 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 13 28, ठीक है, साइन बढ़ेगी तो -28, ठीक है, -28, तो 28 क्या होगा 0, 28 माइनस 28 0 आया, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, अब फॉर्मूला रेडी है तुम्हारी, लगाओ नाउ, 0 प्रूव कर लिया मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार। नाउ 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3x क्या है 28, y क्या है -15, z क्या है -13, ठीक है। अब ये माइनस की साइन को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, अभी 3 28 जा 28 3 जा करो 28 3 जा 3 8 जा 24 3 2 जा 6 7 8 84 हुआ, और 15 13 जा करो 15 13 जा, 1 5 जा 5 1 1 जा 1 3 5 जा 15 3 1 जा 3 4, ठीक है, 5 9 195 195 को 84 से करो, ठीक है, 195 को 84 से करेंगे 195 84, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 76, 8 1 जा 8 9 10 15, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 38, 4 1 जा 4 5 6 7, 6 और 7 13 6, तो 16380, ठीक है, 16380, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये फाइनल आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन सही किया ना मैंने, आंसर सही लग रहा है, गलत लग रहा हो तो खुद चेक कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से सही है आंसर, 3 28 जा 15 13 जा, दोनों का किया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 16380, मतलब यही करना है आपको, इज इक्वल टू 3xyz ही लगाना था, फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं, हाँ ये फॉर्मेलिटी वाले करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा पाओगे, बहुत सिंपल सा है, आता है एग्जाम में ऐसा आता है। बच्चों अभी हम पेज 49 पे एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन 15 करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से ले रहे हैं सारे हम क्वेश्चन 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। क्या बोल रहा है कि भाई लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, मतलब कुछ नहीं,
इन्होंने देखो स्क्वायर वाली इक्वेशन दी, हमें स्प्लिटिंग करनी है, ये आपको स्प्लिटिंग करने बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्प्लिटिंग करने बोल रहे हैं। इन्होंने रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल वर्ड यूज किया है, और लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है, और सिंपल इन्होंने रेक्टेंगल वर्ड यूज किया, ठीक है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप स्प्लिटिंग कैसे करते हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 300 कैसे दो पार्ट करो कि 35 मिले, ठीक है। तो मैंने आपको बोला जब समझना है ना तो आप लोग है ना वो क्या बोलते हैं फैक्टर्स निकाल लिया करो, 300 2 1 2 2 5 0 2 7 14 5 10 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5 1 5, ठीक है। अच्छा आप 35 लाना, ऐसा कुछ करो कि 35 आए, तो कैसे करोगे, 35 कैसे लाओगे, ठीक है। तो देखो 5 2 10 5 3 15 15 2 30 तो फिर 40 हो गया, ठीक है, 5 15 30 नहीं है, बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे सब सोच के देखो, ठीक है, ऐसा क्या करें, देखो माइनस प्लस माइनस है, मतलब दोनों का प्लस, ऐसा प्लस करो कि 35 है, ठीक है, तो 35 और कब आ सकता है, ठीक है, 300 में 35 कब आ सकता है, ठीक है। फिर से और ट्राई करो, देखो ये 25 है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब 5 3 15 5 2 10 2 20 देखो 20 15 जब बना, देखो 5 3 15 और ये 2 2 4 4 5 20, ठीक है, तो 20 15 जमाना, ठीक है। मतलब फैक्टर्स में अगर आधा पाछा घूमोगे ना तो कुछ आइडिया आ जाएगी, फिर देखो 20 15 3 5 15 2 2 4 4 5 20 तो 20 15 जमाना, 20 15 35 हो, ठीक है, 20 15 जा। तो सॉल्यूशन एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 25a² तो 3 5 15 5 2 10 2 20 20 15 जा, ठीक है, 20 15 जा, ठीक है, 20 15 जा करेंगे। अच्छा आप दो पार्ट करो, दो पार्ट, ठीक है, ये एक और ये दूसरा पार्ट, कैसे करेंगे, तो देखो 25 और 20 है, 5 कॉमन ले और 8, ठीक है, 5 कॉमन ले, 5 5 25 5 4 20, ठीक है, 15 और 12 में माइनस 3 3 5 3 4, ठीक है। तो देखो कॉमन लिया तो 5a - 4 5a - 3, तो ये दो अब क्या पूछ रहे हैं, पॉसिबल बॉर्डर लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, तो therefore length is 5a - 4 और breadth क्या है 5a - 3, ठीक है, वो वही तो पूछ रहा है, एक्सप्रेशन पूछ रहा है, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला टाइप पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पे करो, एरिया 35y² 13 - 12, ठीक है, फिर से फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 35 12 जा, ठीक है, 1 5 5 1 3 3 2 5 10 2 3 6 7 0, 5 और 7 क्या हुआ 12, 3 प्लस 1 4, 420, कौन है 420 अपनी बैच में, 420 है, ठीक है, 420 के फैक्टर्स निकालो, 420 के फैक्टर्स, नंबर भी कैसा आया देखो ना 420, 2 2 4 2 1 0 का 0, ठीक है, 2 1 2 0 2 5 0, ठीक है, आपका ये लोग यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 50 लिखेंगे, ठीक है, इतने इंटेलिजेंट मत बनना, अभी नाइन्थ में हो, नाइन्थ में हो यार, ऐसा मत करना जीरो लगाना, ठीक है, 3 3 9 3 5 15 5 7 7 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब फिर से 13 लाने का कोशिश करो, 13 देखो प्लस माइनस 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 करके 13 लाना है, ठीक है, मैंने कैसे देखो प्लस माइनस माइनस करके 13 लाना है, ठीक है, तो इस तरह से, तो अब क्या करेंगे, माइनस करके लाओ 13, कैसे लाओगे, तो अभी अलग अलग ऐसे बिठा के देखो भाई क्या क्या कर सकते हैं, देखो 5 3 15 हुआ, 7 2 14 2 28 ये सब क्या होगा 28,
तो 28-15 करके देखो, 28-15 ए पहले नहीं आ गया, ठीक है 28-15 जा सीधा आ गया, 3-5 15, 7 14 20, 28-15 जा वो 13 आ रहा है, तो सही बना ना, 28-15 जा, ठीक है 28-15 जा। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 35y² 28-15 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, दो की पेयरिंग करो, स्प्लिटिंग ही है पर थोड़ी हाई लेवल स्प्लिटिंग है, पर ये आपकी एनसीईआरटी में है तो इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पर आप क्योंकि नाइन्थ में हो तो आरडी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 आरडी में से आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आपने थ्रू आउट नोट्स अच्छे से बनाए चैप्टर 1 चैप्टर 2 को, तो आपको पूरे साल मैथ्स में कम से कम कोई टच नहीं कर सकेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने सीरियसली किया होगा तो, ठीक है। मेरे को वर्क भेजते थे आप, मैं चेक करती थी, पर किस मंथ से किया क्या किया वो मुझे नहीं पता, मैं आपके मन में नहीं घुस सकती हूँ। अगर आपने मन से किया होगा ना चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा एटलीस्ट नाइन्थ में, ठीक है। देखो यहाँ पे 35y और 28y, तो 7y, ठीक है 7 5 35, 7 4 28 माइनस, और 3 की टेबल कॉमन है, 3 5 15, 3 4 12, ठीक है। तो 5y + 4 7y - 3, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ हुई और ये आपकी ब्रेथ, ठीक है। अच्छा अभी हम लास्ट वाला क्वेश्चन 16 निकाल ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 भी कुछ ऐसा ही है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के हिसाब से, पर इजी सम्स है, आप मतलब ऐसे छुड़वाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना सारा कराया है तो फिर लास्ट में क्या छुड़वाने का, ठीक है। तो 16 नंबर देखें, what are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes are 16? What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids? Whose volume are given below? Whose volume are given below? ठीक है, whose volume are given below? अच्छा अब क्या करें, first देखो, first volume 3x² - 12x, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है आपका फर्स्ट वाला। तो देखो इसने क्यूबॉइड की बात की है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है आपको, एल बी एच, ठीक है। मतलब तीन एक्सप्रेशन होते हैं, एल बी एच, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 3x² - 12x, अभी कुछ सोचो नहीं, बहुत अपने दिमाग पे जोर मत डालो, जो दिख रहा है वो सोचो। क्या दिख रहा है, 3x² - 12x में मुझे कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है। तो निकाल दो 3x कॉमन, 3x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1x बचेगा और 3 4 12, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच होता है। तो एल क्या है आपका, लेंथ क्या हुई 3, ब्रेथ क्या हुई एक्स और हाइट क्या हुई x - 4, ठीक है एल बी एच। गया जो 15th नंबर था उसमें रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसमें मतलब रेक्टेंगल का क्या डायमेंशन होता है, एल बी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी, तो दो ब्रैकेट सी, तो एक लेंथ एक ब्रेथ। तो यहाँ इन्होंने क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल बी एच, ठीक है। आपने 8th में पढ़ा है, मुझे याद है आपने पढ़ा है, तो एल बी एच है, तो लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, वॉल्यूम 12ky² + 8ky - 20k, ठीक है। 12ky² + 8ky - 20k है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्या कॉमन निकालोगे, 2 के कॉमन निकालो, 2 के कॉमन निकलेगा, ठीक है इज इक्वल टू 2k, तो अंदर क्या बचेगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 10 20,
अच्छा और भी कॉमन निकल रहा है हाँ? फोर के टेबल ही कॉमन, फोर फोर के कॉमन निकालो, फोर कॉमन निकल रहा है। देखो फोर के, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर टू जा एट, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ठीक है। फोर के कॉमन निकाला, तीनों में से के कॉमन है, के कॉमन है और फोर कॉमन है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर टू जा एट, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ठीक है। तो फोर के, अच्छा अब थ्री फाइव जा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन के ऐसे दो पार्ट करो कि टू मिले, फिफ्टीन के ऐसे दो पार्ट करो कि टू मिले, सोचो। फाइव थ्री जा ये ना यार कॉमन सेंस, तो फाइव थ्री जा, ठीक है। अच्छा फोर के तो दोनों में कॉमन निकालो, ठीक है, वाई कॉमन निकला तो अंदर थ्री वाई प्लस फाइव, माइनस कॉमन, माइनस वन कॉमन निकला, ठीक है, माइनस वन कॉमन निकला तो अंदर थ्री वाई प्लस फाइव, ठीक है, थ्री वाई प्लस फाइव, ठीक है। तो फोर के थ्री वाई प्लस फाइव, वाई माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एलबीएस, तो ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ और ये क्या है एज, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। मतलब एलबीएच उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बोला आपने, सिंपल आप कैसे आपने सम, जैसे सम सॉल्व करते हैं आपने उसको ऐसे उठाया, अभी सम सॉल्व करना है, सम सॉल्व किया और हो गया, सेम वैसे इसको भी आपने सम की तरह ही लिया, ठीक है। बच्चों मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ये चैप्टर पूरा हो ही जाएगा, मतलब आपके दो मैथ्स में जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं वो पूरे होंगे, मतलब आपने एनसीईआरटी भी की है, आपने आरडी भी की है, अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड में एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज, पेज नंबर, मतलब मैंने बहुत ध्यान रखा है कि भाई नोट्स ढंग से बने, अगर आपने सही से नोटबुक मेंटेन की है तो पूरे साल आपको चिंता नहीं, पर आपने ढंग से नहीं किया है ना तो आपको मैं भी नहीं बचा सकती हूँ, ठीक है। नोट्स मेंटेन नहीं किए ना तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, मतलब आपने मेंटेन किए हैं नोट्स तो अच्छा, भाई आपने पेज नंबर सब कुछ, क्योंकि मैं कराती सीक्वेंस से थी, ठीक है, उल्टा पुल्टा कराती थी, कभी टेक्स्ट कभी आरडी, मैं क्या लेती थी भाई एक एक सर के सम्स हो तो साथ में, ठीक है, थोड़ा समझ पड़े आपको। नोट्स मेंटेन किए हैं ना तो फिर बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं यार, तुमने मेरे साथ दो महीने घास काटी, ठीक है, ध्यान दिया है तो फिर साइंस बनता है, वरना तो सब गया अपना पानी में, ठीक है। अब तो साइंस स्टार्ट हो रहा है अपना, पर मतलब फिर मैथ्स में जो इतना एफर्ट डाला, इतना ज्यादा एफर्ट डाला, वो सब वेस्ट, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आरडी में कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में थ्रू आउट पूरा छान मारना, कोई भी डाउट हो किसी भी पेज पे आरडी में टेक्स्ट में, वो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना कि मैम ये चैप्टर्स ओवर हुए हैं, हम ये डाउट्स कवर करा देना, याद से करना, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है, चैप्टर वन चैप्टर टू अब मैं सीधा एग्जाम के टाइम टच करूंगी, जब आपकी स्कूल एग्जाम डिक्लेयर करेगी खुलेगी तो, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में यार, इतना डिटेल में कराया है, ठीक है। तो आप मेरे को डाउट्स भेज देना, आपके चैप्टर वन चैप्टर टू कहीं से भी कोई भी डाउट हो मेरे को भेज देना, स्कूल के हो यहाँ के वहां के, मेरे को आप डाउट्स भेज देना कि मैम प्लीज ये कवर करा देना। अच्छा अब यहाँ देखो क्वेश्चन टू का इवैल्यूएट है, थर्ड नंबर, वन हाफ क्यूब प्लस वन अपॉइंट थ्री क्यूब माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स क्यूब। तो देखो इसको इवेल्युएट करना है, इसका फर्स्ट सेकंड में आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ देखो हाफ क्यूब प्लस वन अपॉइंट थ्री क्यूब माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स क्यूब है, तो कैसे करोगे, फिर से एक्स क्या है आपका, एक्स है वन अपॉइंट टू, वाई क्या है वन अपॉइंट थ्री और जेड क्या है, देखो जेड के साथ माइनस की साइन भी है तो माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स होगा, ठीक है। अच्छा अब सॉल्यूशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स क्या है हाफ, वाई है वन अपॉइंट थ्री, जेड क्या है माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स, ठीक है। तो हाफ प्लस वन अपॉइंट थ्री प्लस माइनस माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स, ठीक है। अच्छा अब टू थ्री और सिक्स का एलसीएम निकालो, टू थ्री सिक्स का एलसीएम क्या होता है, सिक्स होता है, ठीक है, सिक्स होता है, तो सबको सिक्स बनाना है, वन अपॉइंट टू को सिक्स बनाओ, वन अपॉइंट थ्री को सिक्स बनाओ, फाइव अपॉइंट सिक्स को सिक्स बनाओ, ठीक है। तो वन थ्री जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, वन टू जा टू, टू थ्री जा सिक्स, फाइव वन जा फाइव, सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है, सिक्स तो थ्री प्लस टू माइनस फाइव, ठीक है, तो फाइव माइनस फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है, तो जीरो अपॉन सिक्स, तो क्या हुआ जीरो। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया, जीरो। इसका मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, वो फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सी फॉर्मूला थी अभी, तो ये तो आपने खाली जीरो प्रूव किया, ठीक है, जीरो। तो नाउ
हाफ क्यूब प्लस 1/3 क्यूब माइनस 5/6 क्यूब, ठीक है, तो इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है, xyz, ठीक है, कट शॉर्ट करो, 3 बन जा 3 बन जा, ठीक है, तो फिर से 1 1 जा 1 1 5 जा -5, ठीक है, माइनस 5 1 1 जा 1 5 1 5 जा 5, 2 6 जा 12, तो आंसर क्या है, माइनस आगे आएगा, देखो एक माइनस है ना, प्लस 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 माइनस 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 5/12, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ ये जो थोड़े टफ लग रहे हैं ना, मैं वो करा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, मैंने पिक कर ली डाल दी है, मतलब पिक्चर कर ली डाल दी थी, फर्स्ट सेकंड आप होमवर्क कर लेना इसका, थर्ड फोर्थ मैं करा रही हूँ, फर्स्ट सेकंड आप होमवर्क कर लेना, आप ध्यान से सुना करो, लेक्चर कुछ लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है, पता नहीं मम्मी किचन में क्या बना रही है उसकी, वो ध्यान रखते हो, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ यार, उस पर ध्यान रखो ना यार, तुम्हारा ध्यान कम होता है। 0.2 क्यूब माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, x क्या है तुम्हारा 0.2, y क्या है -0.3 और z क्या है 0.1, ठीक है, तो फिर से अब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, x प्लस y प्लस z, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, x प्लस y प्लस z, ठीक है, x क्या है 0.2, y क्या है 0.3, z क्या है 0.1, ठीक है, देखो 0.2 प्लस माइनस माइनस 0.3 प्लस 0.1, ठीक है, तो 0.2 0.1 क्या होगा, 0.0 0.2 0.1 क्या होगा 0.3, ठीक है, 0.2 0.1 0.3 माइनस 0.3, तो 0.3 में से 0.3 गया तो 0 आया, ठीक है। अच्छा अब 0 आ गया तो अब फॉर्मूला लगा दो, ये वाली 0.2 क्यूब माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब, क्या थी फॉर्मूला, 3xyz, x क्या है 0.2, y क्या है -0.3, z क्या है 0.1, ठीक है, माइनस की साइन है, अभी उसको नहीं देखो, सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, पॉइंट को हटाते हो तो अपॉन में क्या आता है 10, ठीक है, तो 3 2 अपॉन 10 3 अपॉन 10 1 अपॉन 10, ठीक है, तो यहाँ देखो सबको कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, ये तो रहने दो, कट शॉर्ट नहीं करो, कट शॉर्ट नहीं करोगे ना ज्यादा सही रहेगा, मत करो, माइनस की साइन तो है ना, 2 अपॉन 10, ठीक है। अब पहले ऊपर जैसे ही सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है, माइनस की साइन, माइनस 10 10 जा 100 10 जा 1000, ठीक है, 1000 है, तो देखो माइनस 18 अपॉन 1000, तो क्या करोगे, 1 2 3, तो देखो 1 2 है ना, तो 1 2 3, ठीक है, तो 0.018, ठीक है, -0.018, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर, ध्यान से देखना, ना समझ आए तो 2-3 बार ही ऐसे रिवाइंड करके देख लेना, खुद का ही फोन है, ठीक है, पड़ोसी का तो नहीं लेते हो ना, खुद का ही है ना, तो फिर देखा करो ना। अच्छा यहाँ देखो होमवर्क में यही लिख देती हूँ आपका, क्वेश्चन 2 का इवैल्यूएट ही, थर्ड फोर्थ मैंने कराया ना, मैं फर्स्ट सेकंड लिख देती हूँ, ठीक है, रोज रोज पिक्चर डलवा डलवा करते हो मेरे से, अपना व्हाट्सएप का ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो सारे मिलके, बना लो तो मेरे को थोड़ी शांति है, एक दूसरे को दे देने का व्हाट्सएप पे, तो लड़के लड़कियां हो बनाना दे रहा है, मैडम को ही हैरान करना है। देखो फर्स्ट नंबर ये होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 80 क्यूब, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, 1 2 मैंने होमवर्क लिख लिया, और दूसरा होमवर्क मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में से दे रही हूँ, एनसीईआरटी में मैंने कराया हुआ है पर मैं फिर से दे रही हूँ, ठीक है, और आपको डिट्टो डिट कॉपी नहीं मारना है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है, मेरा मेथड होना चाहिए, मेरे को लगेगा आपने टेक्स्ट बुक में से कॉपी मारा ना छोड़ूंगी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऐसा नहीं करना है, कॉपी नहीं मारना, बस एक बार बोल देती हूँ मैं, 25 एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, 25 एग्जाम्पल्स है, 25 में से मेरे को पहले 15 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 25, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 15, ठीक है, वो होमवर्क है, मैंने कराया हुआ है, मेरे मेथड से ही करना है, ठीक है,
अच्छे से वो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये है और आरडी में ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी टीचर्स के हॉट फेवरेट है, एग्जामिनर्स के एग्जाम्पल्स फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से देखें।